हेलो हाय, कैसे हो आप सब। आज हम G5 ओरिजिनल मूवी अनलॉक द हॉन्टेड ऐप का फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। अगर आपने इस मूवी का रिव्यू हमारे चैनल पर नहीं देखा तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। फिल्म मुंबई की एक पार्टी में शुरू होती है जहां अमर, रिधि और सुहानी मौजूद हैं। अमर का किरदार कुशाल टंडन और रिधि के किरदार में अदिति आर्य हैं। फिल्म में एक और कैरेक्टर है अनुभव, जिसका किरदार ऋषभ सिन्हा निभा रहे हैं। अब कहानी पर आते हैं। कहानी अमर के घर मुंबई से शुरू होती है जहां अमर ने अपने घर में पार्टी दी हुई होती है। पार्टी में अमर, रिधि, अनुभव और सुहानी सब मौजूद हैं। अमर और रिधि एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सुहानी अमर को प्यार करती है। अमर और रिधि को प्यार करता देख सुहानी को जलन होती है। जब सब एक साथ बैठे होते हैं तो अनुभव डार्क वेब की बात करता है और कहता है कि यहाँ सब मिलता है, जो भी तुम चाहो। कोई इसकी बात पर खास ध्यान नहीं देता है। पार्टी खत्म हो जाती है। सुहानी रिधि को अपने साथ चलने को बोलती है, लेकिन वो अमर के साथ ही रुक जाती है। इधर सुहानी ने अमर के बेडरूम में एक हिडन कैमरा फिट कर दिया है। सुहानी जब उस कैमरा के थ्रू उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखती है तो वो पागल से हो जाती है। इंटरनेट के सहारे काफी खोजबीन करने के बाद वो डार्क वेब में एंटर कर जाती है और यहाँ पर उसे एक ऐप मिलता है, अनलॉक द हॉन्टेड ऐप। उसके बाद ऐप उससे कहता है कि तुम जो चाहो वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें 3 टास्क करने होंगे। सुहानी तैयार हो जाती है और वो ऐप से कहती है कि उसे अमर चाहिए। अगले दिन सुबह अमर सुहानी के घर आता है और कहता है कि रिधि उस पे चीट कर रही है। उससे वो रिधि के बारे में पूछता है, लेकिन सुहानी झूठ बोल देती है कि रिधि का अफेयर था। सुहानी अमर को रिधि के खिलाफ मैनिपुलेट करती है और वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देख सुहानी काफी खुश होती है और वो अपना पहला टास्क करने के लिए तैयार हो जाती है। पहले टास्क में सुहानी को एक बैग मिलता है जिसे उसे समंदर में फेंकना होता है। बैग में एक बच्चे की डेड बॉडी रहती है। पहले सुहानी तो टास्क करने से मना कर देती है, लेकिन फिर फाइनली वो बैग को समंदर में फेंक देती है। इस तरह से उसका पहला टास्क कम्प्लीट जाता है। टास्क के कंप्लीट होने के बाद सुहानी को अमर का फोन आता है और वो उसे पार्टी में इनवाइट करता है। इसी बीच सुहानी की फ्रेंड रिधि उसको कहती है कि किसी ने उसके फोटोशॉप पिक्चर वायरल कर दिए हैं, इस वजह से अमर उससे बात नहीं कर रहा। सुहानी रिधि को भी यहाँ मैनिपुलेट करती है और शाम में अमर के साथ पार्टी में चली जाती है। पार्टी के दौरान सुहानी को एक और टास्क करने को आता है, लेकिन वो रिजेक्ट कर देती है। दोनों खूब पार्टी करते हैं और फिर वापस आते समय कार में जब दोनों किस करने वाले होते हैं तभी रिधि के कॉल्स आने लगते हैं और वो अमर से कहती है कि वो सब फोटोशॉप पिक्चर हैं एंड प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब सुन अमर वहां से निकल जाता है और सुहानी को अमर मिलते मिलते रह जाता है। ये सब देख सुहानी समझ जाती है कि उसने वो टास्क रिजेक्ट कर दिया था, इसी वजह से ऐसा हुआ, और वो दोबारा टास्क करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे टास्क में उसे एक घर से बॉक्स लाना होता है। जब वो उस घर में जाती है तो वहाँ एक ओल्ड वुमेन से उसकी फाइट होती है और वो फाइनली बॉक्स ले लेती है। इस तरह उसका सेकंड टास्क भी कम्प्लीट हो जाता है। अमर सुहानी और रिधि को पार्टी में बुलाता है एंड रिधि पार्टी में आ ही रही होती है तभी अनुभव उसका मर्डर कर देता है, क्योंकि वो भी एक डार्क वेब में फंस चुका है। जब ये बात सुहानी और अमर को पता चलती है तो दोनों मर्डर स्पॉट पर पहुंचते हैं। सुहानी को अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये सब इसी की वजह से हो रहा है। अब उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उस ऐप की तरफ से तीसरे टास्क का नोटिफिकेशन आता है। इसे देखकर सुहानी साफ साफ मना कर देती है, लेकिन तभी एक वीडियो पॉपअप होता है जिसमें ये दिखता होता है कि अमर बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वो सुसाइड करने वाला है। सुहानी कहती है कि वो ये टास्क करने के लिए तैयार है, लेकिन अमर को कुछ मत करना। सुहानी को तीसरा टास्क ये मिलता है कि वो अमर को जाकर अपना लव कन्फेस करे। सुहानी अमर को लव कन्फेस करती है और वहां से जाने लगती है। तभी अमर उसे बुलाकर हक करता है। सुहानी को ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ मिल गया, लेकिन अमर उसे चाकू मार देता है और वहां पे सुहानी की डेथ हो जाती है। यहां एक छोटी सी बैक स्टोरी है। दरअसल जब रिधि का मर्डर होता है तब अमर को एक मैसेज आता है उसी अनलॉक ऐप का और अमर उसे भी एक्टिवेट कर लेता है और अमर का पहला टास्क ये होता है कि सुहानी को मारना, इसलिए वो सुहानी को मार देता है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। और ऐसे ही फुल स्टोरीज एंड एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। आप हमारा ब्लॉग streamingdude.com भी विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।